लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। श्रीलंका विस्फोटों में 7 आत्मघाती थे शामिल, मामले में 24 गिरफ्तार, मृतक संख्या पहुंची 290। श्रीलंका में रविवार को ईस्टर के मौके पर एक इस्लामी कट्टरपंथी संगठन के समृद्ध 7 आत्मघाती हमलावरों ने गिरजाघर तथा होटलों को निशाना बनाकर घातक विस्फोटों को अंजाम दिया था, जिसमें अब तक 290 लोग की जान जा चुकी है और अन्य 500 लोग घायल है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस द्वीपीय राष्ट्र में अभी तक के ये सबसे घातक हमला था। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक बैठक के दौरान सोमवार आधी रात से आपातकाल लगाने का निर्णय लिया गया। रविवार को हुए हमलों के लिए अभी तक किसी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से अधिकतर एक ही समूह से संबंधित है। पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए 24 में से 9 लोगों को कोलंबो की मजिस्ट्रेट अदालत ने 6 मई तक हिरासत में भेज दिया गया है। संकेत में श्रीलंका आतंकी हमलों के पीछे ये माजरा रोकने के लिए पतन करना होगा जतन। लंबे समय तक गृह युद्ध झेल चुका श्रीलंका ताजे आतंकी हमलों से सकते में है। आतंकियों ने यह हमला जब किया तब ईसाई समुदाय के लोग चर्च में प्रार्थना कर रहे थे। इसके बाद सिलसिलेवार हुए बम धमाकों में सैकड़ों लोग मारे गए। इसके साथ आतंकवाद का विषय एक बार फिर दुनिया के समक्ष बड़ी गंभीरता से सामने आया। आतंकवादी मुल्ला चरमपंथी कट्टरपंथी होते हैं। उनके दूसरे धर्म और संस्कृतियों के प्रति नकारात्मक सोच होती है। वो सोचते हैं कि जिनमें उनका विश्वास है वही एकमात्र सच है। आतंकवाद एक धर्म के जकड़े स्वरूप में है। आतंकवादी स्थानीय जनता, सरकार और दुनिया का ध्यान खींचने के लिए गंभीर आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते हैं ताकि आकृष्ट करा सके। इसके लिए आतंकवादी क्रूरता निर्दयता की सारी हदें लांग जाते हैं और बच्चे, स्त्रियों, बूढ़ों, असहायों, निर्बलों, निर्दोषों की हत्या इनके लिए आम बात है। पीएम मोदी के रोड शो और नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ता कर रहे हैं काम। एसपीजी के जिम्मे सुरक्षा की कमान। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए सोमवार को एसपीजी ने डेरेका पहुँच कर गेस्ट हाउस, खेल मैदान आदि का स्थलीय निरीक्षण किया। डेरेका परिसर में सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है। डेरेका गेस्ट हाउस के जिस कक्ष में पीएम अक्सर रुकते हैं उसकी भी साफ सफाई की जा रही है। सोमवार को एसपीजी की टीम एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ डेरेका केंद्रीय खेल मैदान पर पहुंची। निरीक्षण करने के बाद गेस्ट हाउस जाकर वहां पर सभी कमरों की जानकारी के साथ रुकने वाले विवरण लेने के बाद गेस्ट हाउस के कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया गया। पीएम मोदी के आगमन के मद्देनजर इस बार सेफ हाउस डेरेका खेल मैदान में न बनाकर मैदान से सट्टे पेलेवियन की बिल्डिंग के प्रथम तल पर स्थित चेंज रूम में बनाया जा रहा है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।